हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एग्जाम डॉट कॉम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एफसीआई पंजाब वॉचमैन 2022 एग्जाम के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे पोर्टल से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी पैकेजेस अवेलेबल है, जैसे एग्जाम सिलेबस, कॉम्बो पैकेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक प्रिंटिंग मटेरियल। इसके साथ ही फ्री मॉक टेस्ट की फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैकेजेस भी दिए गए हैं, जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स या प्रिंटिंग मटेरियल, ई बुक, ई लर्निंग कोर्सेज। इनकी हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप प्री मॉक टेस्ट जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। मॉक टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं, फिर टेस्ट पर क्लिक कीजिए। आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, साथ ही में इनके ऑप्शन दिए गए। यदि आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, 7S पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई देगा। यदि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, 7S पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर ब्राउन कलर दिखाई देगा। ऐसे वन बाय वन क्वेश्चन करते जाइए, 7S पर क्लिक करते जाइए। यदि आप इसका रिजल्ट जानना चाहते हैं तो सबमिट टेस्ट पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट दिया गया है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो व्यू आंसर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने किए वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, जो क्वेश्चन आपने नहीं किए वो आपको ब्राउन कलर में दिखाई देंगे। यदि आप अपने एग्जाम पेज पे वापस जाना चाहते हैं तो व्यू मोड टेस्ट पर क्लिक कीजिए। इसके साथ यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं, फ्री क्वेश्चन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको वन बाय वन क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही में ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप इसका करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो शो आंसर पर क्लिक कीजिए। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर इसका दिया गया है। ऐसे वन बाय वन क्वेश्चन करते जाइए, शो आंसर पर क्लिक करते जाइए। इसके साथ ही यदि आप एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पंजाब, नेम ऑफ द पोस्ट है वॉचमैन, कैटेगरी है सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, पीईटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लोकेशन है पंजाब, कैटेगरी है सिलेबस, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, साथ ही में एग्जाम पैटर्न भी डिस्प्ले किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स की फिजिबिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है। यदि आप इस वैकेंसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर दी गई है। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कॉम्बो पैकेज देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। कॉम्बो पैकेज आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक कीजिए। अमाउंट आपको यहाँ पर इसका दिया गया है। इसके साथ ही यदि आप बुक प्रिंटिंग मटेरियल जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। बुक्स की हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। यहाँ पर बुक्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक कीजिए। अमाउंट आपको यहाँ पर इसका दिया गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम के नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। यदि इस एग्जाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल toppersexam.com पर जाकर ले सकते हैं। हमारे पोर्टल से आप इजिली एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम के साथ आपको फिर मिलूंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।